पंकज, शुरुआत महत्वपूर्ण समाचार थी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू अमदावाद की मुलाकाते पहुंचा छे। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हाजरी आपसे। एलजी स्कूल ऑफ लॉ द्वारा आयोजित अवेरनेस कार्यक्रम में हाजरी आपसे। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू अमदावाद की मुलाकाते छे। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित रहेशे। एलजी स्कूल ऑफ लॉ द्वारा आयोजित अवेरनेस कार्यक्रम में हाजरी आपसे। लोगों को, आम आदमी को कानूनी दावपेच से मुश्किलात जो होते हैं उसको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उसको जानकारी देने के लिए लीगल एजुकेशन वगैरह जो कार्यक्रम देश भर में चल रहा है, तो आज अहमदाबाद में कार्यक्रम रखा है, उसमें मैं अटेंड करूंगा। फिर शाम को आदरणीय राष्ट्रपति जी के साथ में यहाँ के गवर्नर महोदय और गुजरात के हाईकोर्ट्स के चीफ जस्टिस और जजों के साथ में जो इंटरेक्शन कार्यक्रम होगा उसमें मैं रहूंगा। राज्यना मंत्री मनीषाबेन वकीलनुं मोटुं निवेदन, रस्ते रखड़ता अने भिक्षुको माटे राज्य सरकार शुरू करी रही छे अभियान। भिक्षुकोने शोधी शेल्टर होम अने भिक्षुक केन्द्र खाते खसेड़ाशे। भिक्षुकोनुं सामाजिक जीवन सुधरे तेवा सरकार करशे प्रयासो। भिक्षुकोने राज्य सरकार मकान पण आपशे। वडोदरामां पोलीस कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर, कलेक्टर, मेयर अने धारासभ्यो साथे आजे बैठकनुं आयोजन छे, जेमां आ अभियाननी रूपरेखा नक्की कराशे। કોંગ્રેસ પ્રભારી રઘુ શર્મા સુરત પહોંચી ચૂક્યા છે। 29 ઓક્ટોબર સુધી સુરતમાં જ રોકાણ કરશે। સુરતના નેતાઓ સાથે તેઓ મુલાકાત પણ કરવાના છે। 31 ઓક્ટોબરે અમદાવાદ પહોંચવાના છે અને 1 નવેમ્બરથી શરૂ થશે મેમ્બરશીપ ડ્રાઈવ। 29 ઓક્ટોબર રાહુલ ગાંધી પણ સુરત આવશે। રાહુલ ગાંધી સુરતમાં કોર્ટમાં હાજરી પણ આપવાની છે, જેથી તેઓ સુરતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે, ત્યારે એ પહેલા ગુજરાત પ્રભારી સુરત પહોંચ્યા છે। तो कांग्रेसना प्रदेश प्रमुख ने लईने बोल्या रघु शर्मा। अमित चावड़ाना नेतृत्व में हाल काम चाली रह्यु छे। नवा प्रमुख ने लईने कांग्रेस नेतृत्व निर्णय लेशे। कांग्रेस में अभी प्रमुख है ना, प्रमुख भी है, सीएलपी लीडर भी है। कब नया प्रमुख बनेगा ये नेतृत्व पे निर्भर करता है, लेकिन अभी वो काम कर रहे हैं। अभी बैठे हैं ना अमित चावड़ा जी यहाँ पे, तो इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का काम रुका हुआ हो ऐसा मैं नहीं मानता। काम तो चल रहा है पार्टी का, और हम पार्टी कैसे प्रदेश में मजबूती से अपने विपक्ष के दायित्व को निर्वहन करे उसके लिए एकजुट करेंगे। पूरी कांग्रेस को अनुशासित पूरी पार्टी रहेगी, और वरिष्ठ नेता हों चाहे नौजवान पीढ़ी के लोग हों, सभी मिलजुल के बूथ लेवल तक कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत बने इस पर काम करेंगे। 2022 के विधानसभा को चुनाव को लेके बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से गुजरात आ रहे, चिंतन शिविर की बात हो रही है, आने वाले दिनों में विधानसभा है, उसकी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस भी एक राजनीतिक पार्टी है, लंबे समय से हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो बेसिक ऑब्वियसली हमारा भी चुनाव का जो तैयारी है वो हम करेंगे। કોંગ્રેસમાં પ્રદેશ પ્રમુખને લઈને અર્જુન મોઢવાડિયાએ મોટું નિવેદન આપ્યું। તેમણે કહ્યું છે કે હું ક્યાંય કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખની રેસમાં નથી। કમિટી જેને પણ પ્રમુખ બનાવશે અમને સ્વીકાર્ય છે। હવે 1 વર્ષ બધા સાથે મળીને મહેનત કરીશું। પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે હું રેસમાં નથી। પ્રદેશ પ્રમુખમાં અર્જુન મોઢવાડિયાનું નામ ચાલતું હતું ત્યારે તેમણે આ નિવેદન આપ્યું। હું રેસમાં જ નથી કોઈ જગ્યાએ, અને અમે જઈને મારા સહિતના બધા આગેવાનો કહેવા છે કે અત્યારે 1 વર્ષનો સમય છે, એ સમયગાળા દરમિયાન અમે બધા જ જે કોઈ નવો પ્રદેશ પ્રમુખ, નવા પ્રદેશ પ્રમુખ કે બીજા કોઈ જે આવશે એને સમર્થન આપીશું, અને જે કોઈ નિર્ણય થશે એને માથે ચડાવીશું। રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ આજથી